प्रॉब्लम आ रही है आपके पास? हाँ, ज़रा चला के दिखाएं पहले, प्रॉब्लम आ रही क्या है? आइकन आपने कहा कि आपसे नहीं लग पा रहा है। आइकन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, लग नहीं। ये भी जिस तरह मैंने अभी ये यहाँ से किया ना कंसोल, अब ये वाली बाकी सारी चीज़ें तो आ रही हैं, ठीक है। अब ये जिस तरह आइकन पड़ा हुआ है इसके अंदर ना, कंडीशन के अंदर, ये इस चीज़ इसके अंदर, अब यहाँ पे ये जिस तरह मैंने YouTube से देखा था तो वो इसी तरह एक डिव बनाकर ले रहा था ना, एक वो वहां से लिंक भी कॉपी कर रहा था, ठीक है। तो ये मैं उसका लिंक लेकर करता हूँ तो इसे ये इमेज नहीं लग रही ये वाली। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप ये HTTPS के बाद जो है ना, जो कॉलन लगा हुआ है वहाँ तक रहने दें, और उसके बाद ये आप सारा हटा दें यहाँ से, डबल स्लैश से लेके ना, और नहीं वहाँ आगे तक नहीं, बिल्कुल ये जो टेम्पलेटिंग से पहले तक। टेम्पलेट रहने दूँ ना? टेम्पलेट रहने दें ये चीज़ एक। हाँ, ये सिर्फ डबल कॉलन हो गया। कोड थोड़ा सा जूम कर दें अपने ना, कोड को थोड़ा सा जूम कर दें। ये जूम किधर से होगा सर? कंट्रोल प्लस दबाएं बीच स्क्रीन पे क्लिक करके। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो टेम्पलेट के बाद आपने लिखा है ना, इसको भी आप, इसको भी हटा दें। अच्छा, कंट्रोल बी दबाएंगे ना आप तो ये साइड वाला बार बंद हो जाएगा। कंट्रोल बी, बी फॉर बॉल। हाँ, आपकी स्क्रीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टक होके आ रही है। वेल, अच्छा ये जो टेम्पलेट के बाद लिखा हुआ है ना, स्लैश और 64 64, ये सब हटा दें। ठीक है, ये टेम्पलेट के बाद जितना है सब हटा दें। आपकी स्क्रीन फ्रीज है शायद मेरे पास। यहाँ से तो ठीक शेयर हो रही है, मैं अगर अपने पास स्पीड टेस्ट भी लगा लूँ, मेरे पास तो ठीक है। अच्छा, ये जो टेम्पलेट के बाद जितना कुछ है ना, ये सब रिमूव कर दें आप। वो कर दिया ना सर, सिर्फ ब्रैकेट ही रह गई हैं बस। अब मेरे पास ना 64x64 अभी तक दिख रहा है लाइन नंबर 58 में। वेल, इसको खत्म कर दिया अभी। अच्छा, वेल इसको आप चलाएं जरा, ब्राउजर पे जाएं। अच्छा, आप ना स्क्रीन में आपकी रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा शेयर करें, आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है ब्राउजर की। एक एरर दे रहा है इस चीज का, दोबारा शेयर करने पे एरर दे रहा। अब ये जिस समय मैंने देखा ना कराची का ही ना स्क्रीन, आपको ना दोबारा शेयर करनी होगी, वो स्टक हो गई थी आपकी तो मैंने रिमूव कर दिया। वो सारी चीज़ हो गई है सर शेयर अभी? हाँ, अभी शेयर हो गई। अच्छा, अब जरा चलाएं। अभी वो सारी चीज़ें हटाई हैं ना, अभी वो अभी ये चलाया, उसके बाद ये कह रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ नल सेटिंग इनर एचटीएमएल इंडेक्स इस पे दे रहा है 57 59। अच्छा देखें, आपका ना ये लाइन नंबर 67 में इशू बता रहा है, जाएं जरा लाइन नंबर 67 में, ये कोई और इशू है आपके पास? 57 का कह रहा है सर, 57 और 60 तो ये है ना, ये तो लिया हुआ है। और दूसरा अपने कोड को जरा फॉर्मेट करें, राइट क्लिक करके ना फॉर्मेट करें, आपका कोड काफी ज्यादा आड़ा टेढ़ा हुआ है। किस तरह? अच्छा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट का बटन, कमेंट्स बीच में से खत्म कर, नहीं बस राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट का बटन दबा दें। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, हाँ अभी हो गया सर।
अब जाएँ ज़रा वहाँ पे लाइन नंबर क्या था वो 67 67 पे लिखा हुआ है ना ये कि नॉट सेट प्रॉपर्टी नल ऑफ अनडिफाइंड। 67 पे क्या है? अच्छा 67 पे तो सिक्सटी ये सेवन पे कुछ लॉग है नहीं। एरर दिया हुआ है ना अच्छा वही। वेल वेल ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आपने किया है ना रो, ये रो कह रहा है एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अपनी HTML की फाइल दिखाएंगे मुझे? ये रो मैंने ये बनाई हुई है ना डेव क्लास। अच्छा जावास्क्रिप्ट ये आपने नीचे लिखी है ना या ऊपर लिख दी है? ऊपर लिखी है नीचे? नीचे लिखी है, नीचे यार लिखी सही है, है मिलना तो चाहिए भाई। सर। इन्होंने रो को आई थिंक आईडी से टाइप किया। अच्छा रो ये क्लास थी क्या था वो? हाँ ये क्लास आईडी, थी इस पे आईडी भी लगाएं, आईडी एक और का है, इसको रहने दें, इसको रहने दें, आईडी भी एक और लगा दें। अच्छा वो क्लास के ज़रिए अगर आपने कोई अभी CSS लगाई होगी तो वो हट गई होगी फिर। खैर अच्छा ये अभी इसके उस रस्ते पे सीएसएस ने लाइन कोई हाँ कोड वो बनाई नल है वाला इशू तो या ख़त्म हो कुछ गया ना अब चला। आपका, नल वाला इशू तो आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। देखें चला गया उसको, इसको रिफ़्रेश करें जल्दी से और उसको चलाएं। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल तो वो मसला अब नहीं आएगा आपका, ठीक है वो मसला हल हो गया। अब वापस जाएँ वो, अब आप कोड लगाएं ज़रा। अच्छा ये लोकेशन वाला, ये ऑब्जेक्ट ओपन करें, इसमें क्या आ रहा है? अच्छा लोकेशन इसमें डॉट, करंट है मेरे हाँ पास। और करंट डॉट, और इसमें वो कहाँ है? करंट डॉट कंडीशन डॉट आइकन। अच्छा ये आइकन में जी जो जी चीज़ है ना इसको करंट आप कॉपी कर लें ज़रा, आइकन में जो पूरी चीज़ है इसको कॉपी कर लें बिल्कुल लास्ट तक। ये आपको टर्मिनल अपना बड़ा करना पड़ेगा, लास्ट तक वो कॉपी नहीं हो पा रहा है शायद। हाँ ये इसको आप लास्ट तक नहीं, जो स्ट्रिंग है ना पूरा उसको कॉपी करें आप। ये यहाँ तक ना। हाँ इसको ब्राउज़र के नए टैब में लेकर जाएं और HTTP लगाएं शुरू में, इसके ब्राउज़र के नए टैब में ले जाएं, HTTP शुरू में लगाएं। नहीं गलत किया आपने, ये आपने स्ट्रिंग नहीं हटाया उसके पास से, HTML में स्ट्रिंग, उसमें URL में स्ट्रिंग थोड़ी होता है। दोबारा से पेस्ट करें ना, HTTPS लिखें, कॉलन लिखें, ये शुरू से और आखिर से स्ट्रिंग इसकी हटाएं आप। HTTPS कॉलन स्लैश स्लैश एंटर करें, ये इमेज आ गई ना आपके पास। अब आपने उसके शुरू में HTTPS नहीं लगाना है, जस्ट जाके लगा दें। यहाँ पे हाँ टेम्पलेट के अंदर आप HTTPS लिखें, और टेम्पलेट से बाहर आपने HTTPS लिखा हुआ है ना, बस उसके अंदर आप वो वाला वेरिएबल उठा के लगा दें, करंट डॉट आइकन वाला। टेम्पलेट को ओपन करें, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा ना। ठीक टेम्पलेट के अंदर ही लिखेंगे ना जो आपका वो है ना, है वेदर करंट डेटा डॉट करंट डॉट, करंट तो डायरेक्ट नहीं है ना, वेदर पहले डेटा वेदर डेटा है आपका। वेदर स्टेटस डॉट करंट हाँ डॉट करंट डॉट कंडीशन, डॉट आइकन पर नहीं डॉट करंट डॉट कंडीशन है उसके डॉट बाद, मेरा ख्याल है कंडीशन। डॉट जी सर आइकन है। अब ये मैच कर लीजिएगा आप, मेरा ख्याल है यही है, जी है। करंट कंडीशन आइकन, सेव करें चलाएं इसको। ये करंट कंडीशन और ये डॉट ठीक है। ये आइकन आ रहा है ना चलें, ये इसलिए। मसला हल हो गया आपका। अच्छा किसी और का अगर कोई प्रॉब्लम है जी ये तो वो भी शेयर कर सकता है। सर, जी सर दोस्त जी जो टाइम आ रहा है 12 आवर के हिसाब से लाना हो तो फिर क्या करें? ये तो मूमेंट JS एक लाइब्रेरी हमने जिक्र की थी क्लास में, उसके ज़रिए होगा, ओके की थी ना मूमेंट JS का जिक्र किया था ना हमने बर्थडे कैलकुलेटर में। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि वो कोड में मैंने वो जिक्र किया है उसका या नहीं किया, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, किया था सर, किया था। क्योंकि मैं बैक टू बैक असल में दो तीन क्लासें पढ़ा रहा होता हूँ, सम टाइम वो मिक्स हो जाता है।
कहाँ गया भाई ये, मॉडर्न स्टाइल डेवलपमेंट पहुँच गया। अच्छा मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पे किया है। लॉजिकल सर ऑफ एक दफा रिपीट कर। नहीं, मैं भाई देखना चाह रहा हूँ कि वो टाइम टाइम के मेथड्स हमने पढ़े नहीं है, टाइम के मेथड्स हमने कहाँ पे पढ़े हैं यार, इसमें तो आ ही नहीं रहा वो। वेल, मैं वो बता देता हूँ आपको, वैसे ही अलग से बता देता हूँ। सर मॉड्यूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, सॉरी, मॉड्यूल्स के थ्रू हाँ जो अच्छा, आवर ये हमारा आ रहा है उसको जो नहीं, बचेगा उसके वो लिए हमारा आवर वो होगा। लाइब्रेरी और मौजूद है, तो मॉड्यूलस के ज़रिए करने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी मौजूद है हमारे पास ना। सर देखो हमने ये ये सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के वो भी नहीं पढ़ा। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, अच्छा वो मैं अभी नॉट जेएस के दरमियान मुझे याद दिलाइएगा, मैं वहाँ पे उसकी एग्जांपल बता दूँगा आपको। अच्छा देखो, मोमेंट जेएस जो है ना एक लाइब्रेरी है, जितने भी टाइम से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं ना वो सारे इसके ज़रिए हम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको सर यही चल इंस्टॉल, रही है आपकी। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने गूगल पे जाके क्या लिखा, मोमेंट जेएस, और ये पहले नंबर पे मुझे इसका लिंक आ गया। अच्छा मैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में गया, ठीक है, सॉरी गाइड में गया। अब इंस्टॉलेशन यहाँ पे ना देखो, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में सपोर्टेड है ये, सर लिंक तो नहीं इसका लग सकता। मैं लिंक बता रहा हूँ कहाँ पे लगेगा। सही है, तो अलग अलग जगह पे ना ये इंस्टॉल हो जाता है, तो इन्होंने ये सबका बताया हुआ है। अरे कहाँ चला गया इंस्टॉलेशन, एक मिनट, मैं गलत जगह देख रहा हूँ शायद। डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट यूजिंग मोमेंट जेएस, हाँ ये यूजिंग मोमेंट जेएस जो है ना यहाँ पर है। अच्छा कहाँ पे करना है मुझे, ब्राउज़र में करना है। ये देखो इन सब जगहों पे ये लग जाता है, मुझे ब्राउज़र में इंस्टॉल करना है। तो ब्राउज़र में इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, CDN लगा सकता हूँ मैं, और इसकी स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके भी लगा सकता हूँ। CDN ज़्यादा आसान है, मैं CDN पे गया, ठीक है, ये CDNs हैं इसके दिए हुए। तो ये जो टॉप वाला था ना, इसको मैंने ये बटन दबा के कॉपी कर लिया। बटन दबा के जब मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास आके यहाँ पे और स्क्रिप्ट लिखूँगा, और SRC करके मैं यहाँ पे मैंने मूवमेंट जेएस ये अटैच कर दिया। सही है, अच्छा ये मूवमेंट जेएस अटैच हो गया। अब मूवमेंट जेएस अटैच जैसे ही हो गया ना, तो यहाँ पे जो अब टाइम आ रहा है 24 आवर के फॉर्मेट में, वो ज़रा देख लेते हैं कि वो किधर आ रहा है, फिर उसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करके तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, मैंने कराची लिख के एंटर किया, कॉन्सोल पे गया, और लोकेशन, ये रहा लोकल टाइम के, यहाँ पे टाइम इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब ये लोकल जो टाइम है ना, क्या है मेरे पास, वेदर डेटा डॉट लोकेशन डॉट लोकल टाइम इस नाम से आ रहा है। तो मैंने इसको एक अलग वेरिएबल में कर लिया पहले, तो मैंने कहा लेट टाइम इक्वल्स टू वेदर डेटा डॉट लोकल डॉट टाइम, यही था ना, क्या था, लोकेशन लोकेशन डॉट लोकल टाइम, ठीक है। तो ये टाइम मेरे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा ये टाइम किस फॉर्मेट में, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा अब जो जैसा इन्होंने लिखा है ना टाइम, मुझे उस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ PM भी चाहिए। अच्छा इन्होंने जैसे लिखा है ना कि भाई 8/2/2022, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 अगस्त, ऐसे करके चाहिए, क्योंकि 8 और 2 में ना कन्फ्यूजन होती है कि भाई मंथ कौन सा है, तो मुझे चाहिए 8/2 अगस्त लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। तो ये काम जो है मूवमेंट जेएस से बड़े इजीली हो जाता है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, अच्छा अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ ये, ठीक है, आप भी यहाँ से देख के करेंगे। मैं कहाँ गया, दोबारा होम पे चला जाता हूँ मैं, जहाँ पे ना ये मूवमेंट जेएस डॉट कॉम जो था रूट, ये यहीं पर इसने बताया हुआ है, फ्रंट पे बिल्कुल बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है, कि फॉर्मेट कैसे करना है आपको, ठीक है, ये फॉर्मेट इन्होंने बताया हुआ है।
अच्छा मैंने लिखा मोमेंट, जावास्क्रिप्ट का जो बिल्ट इन है वो डेट से होता है, लेकिन ये इसका जो है वो मोमेंट से होता है। मैंने टाइम दे दिया कि इस टाइम को जो है ना, जो भी मेरा टाइम मिला है मुझे, कहाँ से मिला है, मेरे आपके वहाँ से मिला है, जो भी टाइम मेरे पास ना वेदर की डेटा से मिल के आया था, मैंने बोला उसको मोमेंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अच्छा मोमेंट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, डॉट फॉर्मेट करो। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट कैसा बनाओ उसका, वो ऐसा बनाओ, ये देख रहे हो, ये फॉर्मेट का ना एक पैटर्न मैं यहाँ पे बता दिया। अब ये फॉर्मेट लिखने से क्या होगा, इस तरह का डेट आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल तो मैं यही फॉर्मेट एज इट इज़ लगा देता हूँ। ठीक है, यही फॉर्मेट मैंने एज इट इज़ लगा दिया, तो अब ये पूरी चीज़ क्या रिटर्न करेगी मुझे, एक फॉर्मेटेड टाइम। ठीक है, मैंने कहा कि फॉर्मेटेड टाइम, ठीक है, ये फॉर्मेट हुआ हुआ टाइम आ गया मेरे पास अब, और ये फॉर्मेटेड टाइम को मैंने क्या कर दिया, कंसोल करवा दिया। ठीक है, ये मैंने टाइम को अच्छा सा करके यहाँ पे वो करवा दिया। अब देखते हैं जाके कि अब ये टाइम मुझे कैसा शो करता है। मैंने कहा भाई कराची और गेट किया मैंने। ठीक है, देखो टाइम मुझे कैसे करके दिखा रहा है, अभी ऐसे करके दिखा रहा है। अच्छा, इसमें किसी भी किस्म की चेंजेस चाहिए हो ना, मिसाल के तौर पे मुझे अगस्त पहले नहीं चाहिए, मुझे सेकंड पहले चाहिए, अभी तो लिखा हुआ है ना अगस्त सेकंड, मैं चाहता हूँ सेकंड अगस्त आए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्मेट है ना इसमें से ये अगस्त जो है इसको कट करूँगा, और कट करके इसको क्या कर दूँगा, आगे ले जाऊँगा। ठीक है, अब ये डी ओ का क्या मतलब है, चार दफ़ा एम का क्या मतलब है, चार दफ़ा वाई, इसका भी डॉक्यूमेंट मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या है। तो सेकेंड अगस्त और 2000 जो भी 22 है वो आ जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने इसको, मैंने कहा कराची। ठीक है, देखो सेकंड पहले आ गया, अगस्त बाद में आ गया। तो जैसा भी फॉर्मेट चाहिए आपको वो यहाँ पे बता देता है ये। अच्छा, अगर यही चीज़ मैं गाइड में जाके देखूँ ना, फॉर्मेट में यहाँ पे ना एक डिस्प्ले, ये रहा डिस्प्ले के अंदर फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट का ना पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कि सिंगल एम का मतलब क्या होगा, एम ओ का मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्वेल्थ। ठीक है, चार दफ़ा एम का मतलब होगा जनवरी फेबररी, ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है ए। ठीक है, स्मॉल लेटर का ए। अब स्मॉल लेटर का ए का क्या मतलब है, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ये देखो स्मॉल लेटर के ए का मतलब है ए एम पी एम। अगर मैं कैपिटल लेटर का ए लिखूंगा, इसका मतलब है कैपिटल लेटर का ए एम पी एम। ठीक है, अभी मेरे पास जो है स्मॉल लेटर से आता है ना ए एम पी एम, अगर मैं इसको कैपिटल ए कर दूंगा तो ये कैपिटल ए से आने लग जाएगा मेरे पास। फिर अब इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैंने कहा कि कराची और गेट, देख रहे हो, अब ये कैपिटल लेटर से ए एम पी एम आने लग गया। तो ये फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है पूरा। ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहीं पे कमेंट में अटैच भी कर देता हूँ। सही है, ये मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिंक लगा दिया कि फॉर्मेट होता कैसे है। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मोमेंट डॉट जे एस का, जो बहुत यूज़ होता है, अगो। ठीक है, फ्रॉम नाउ, ये रहा फ्रॉम नाउ के नाम से, कि कोई भी टाइम होता है ना, जैसे फेस सोशल मीडिया की जो एप्स वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है कि पोस्ट जब कोई आई हुई होती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई 1 डे अगो या 5 मिनट अगो। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ है। तो मिसाल के तौर पर कोई भी टाइम होगा, ठीक है, कोई भी टाइम अगर होगा उसको मैं मोमेंट में कन्वर्ट करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टाइम आया कि 1 अगस्त, 1 अगस्त 2022 मेरे पास ये टाइम आया अगर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है कि कितने देर पहले का है, मुझे 1 डे अगो करके दिखाना है, या अगर 2 दिन पुराना है तो 2 डे अगो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे फ्रॉम नाउ करके उसमें लगा दूँगा, करके देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम नाउ एग्जाम्पल, मैंने कहा मोमेंट, मोमेंट में क्या आ गया डेट मेरे पास, मोमेंट में मेरे पास डेट आ गई कि 1 अगस्त 2022, राइट, ये मेरे पास डेट आ गई। अब इसमें मैं बोलूँगा कि डॉट फ्रॉम नाउ। ठीक है, और मैंने कह दिया कि लेट फ्रॉम नाउ, ठीक है, देखो 2 डे अगो लिखा हुआ आ गया। तो इसने, मैंने क्या किया, एक डेट मुझे जो डेटाबेस से मिली थी उसका ये पता लगा लिया वो कितने दिन पहले का था। ठीक है, फेसबुक में ट्विटर में सब में ये आपको दिखेगा कि ना 1 डे अगो करके कैसे आ रहा होता है डेटा। ठीक है,
अगर मैं इसको 1 अगस्त 2021 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, 2021 में फिर मुझे ये 1 ईयर अगो दिखाना चाहिए इसको, ठीक है। देखो आ एयर अगो, आ एयर अगो का मतलब है कि 1 साल पहले की डेट थी, ठीक है। मैं वापस 2022 करता हूँ, अगर मैं इसको ये कर दूँ, ठीक है, ये 1 सेकंड से लेके, फ्यू सेकंड से लेके और पूरा ईयर्स डेज मंथ ये सबको हैंडल करता है, ठीक है, ये सबको ही हैंडल कर रहा होता है। तो आप जो भी डेट आएगी ना, चाहे अच्छा किसी भी फॉर्मेट में हो, ईपोश फॉर्मेट में हो, USISO फॉर्मेट में हो, ये हर तरह की डेट को भी फॉलो कर लेता है ये, ठीक है। तो मोमेंट जेएस की आपने जो है ना थोड़ी सी एक आध वीडियो देखनी है, डेट और टाइम आपके ना सारे ये तो वैसे मैंने दो जो सबसे बेसिक है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन मोमेंट जेएस की जो है ना लाइब्रेरी बहुत ईजी है, और आपने इसकी छोटी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप छोटी सी एक वीडियो देखेंगे या गूगल करेंगे ना, आपको आपके मसले का हल फ़ौरन सामने आ जाएगा। अच्छा तो ये हमने कह दिया भाई मोमेंट जेएस, मोमेंट जेएस आपको पढ़ा दिया मैंने। चलिए अच्छा भाई, हेलो वर्ल्ड जो सर्वर है, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे बन गया ये हेलो वर्ल्ड सर्वर? सर बन चुका, बन चुका है। अच्छा कोई ऐसा बंदा जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो हेलो वर्ल्ड सर्वर बनाने में? समझ में आया नहीं आया वो तो मैं अभी दोबारा समझाऊंगा ना, दोबारा से समझाऊंगा सबको मैं, लेकिन कोड लिखने में कोई इशू आया या सब लोगों ने लिख लिया? कोई ऐसा बंदा जिससे कोड अभी तक नहीं लिखा गया? आपसे नहीं लिखा गया? अच्छा लिखा है, एरर आ रहा है। अच्छा लिखा है और एरर आ रहा है। अच्छा आपको मैंने एक टास्क भी दिया था कि अगर आपसे ये सर्वर बन जाए तो उसको हरी को मैं का एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी थी कि अगर पॉसिबल हो तो इस पर आप उसको होस्ट भी कर दीजिएगा, तो कोई ऐसा है जिससे वो होस्ट भी हो गया हो? अगर किसी से होस्ट हो गया तो उसका ज़रा लिंक भेजें मुझे। कोई भी नहीं है? अच्छा सर फाइल कितनी आ गई इसमें? होस्ट करना याद नहीं, क्या नहीं आ रही? सॉरी अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं क्या करता हूँ आपको फ्रॉम स्क्रैच शुरू से, ठीक है, ये तरीका समझा देता हूँ। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है, बिल्कुल शुरू से वो सारा साइड पे कर दिया मैंने, इतना लंबा चौड़ा कोड था ना, मैंने इसको कह दिया हेलो वर्ल्ड सर्वर, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब इसको मैंने क्या किया, VS कोड में ओपन कर लिया, ठीक है। इसको VS कोड में ओपन कैसे करूँगा मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करके डेस्कटॉप पे मैंने ये बनाया था, तो डेस्कटॉप पे जाकर मैं बोलूंगा कि हेलो वर्ल्ड सर्वर को क्या कर दो, ओपन कर दो। अब ये हेलो वर्ल्ड सर्वर जो है ना ओपन हो गया, ठीक है। बल्कि इससे भी आसान तरीका, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, इससे भी आसान तरीका, मैं जाऊँगा github.com, ठीक है, यहाँ पर जाके मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू रिपॉजिटरी, ठीक है, न्यू रिपॉजिटरी, क्योंकि हमने ये शुरू में डिस्कस कर लिया था कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो github.com से स्टार्ट होता है, ठीक है। वैसे तो आप सब लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो सारे आप github में डाल के पब्लिश करते हैं, github में ही एक्सेप्ट होते हैं आपके असाइनमेंट्स, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने कहा कि भाई हेलो वर्ल्ड सर्वर, ठीक है, और नॉट जेएस भी लगा देता हूँ साथ में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ये लिख देता हूँ कि दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन कोड फॉर अ क्लास दैट आई एम टीचिंग, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया कि कोई आए इस पर तो देखे उसको पता चले कि अच्छा यार ये किसी क्लास के लिए लिखा गया था कोड। अच्छा ये नई रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई, इसका मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया, आप सब लोगों को ये आता है, ठीक है, लिंक कॉपी करके मैंने इसको करना है क्लोन, अपनी अपने कंप्यूटर में इसको मैंने क्लोन करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर मैं टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ, मैं डेस्कटॉप पे मैंने ये अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। अच्छा डेस्कटॉप पे टर्मिनल ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा गेट स्पेस
और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, लिंक। अच्छा, जैसे ही मैंने ये गिट क्लोन और ये लिंक चलाया तो मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड सर्वर का एक फ़ोल्डर आप देखें यहाँ पे बन के आ गया, यानी कि ये रिपॉजिटरी मेरे पास प्रॉपरली क्लोन हो गई है। अच्छा, मैंने कहा सी डी करके मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं इसके अंदर चला गया, ठीक है, मैं अब इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, इस एम्प्टी रिपॉजिटरी के अंदर आ चुका हूँ जो अभी अभी मैंने क्रिएट की थी और अभी अभी मैंने क्लोन की है। उस रिपॉजिटरी के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अगला काम, मुझे इस रिपॉजिटरी को या इस फोल्डर को VS कोड के एडिटर में ओपन करना है, ठीक है। उसका शॉर्टकट क्या है, कोड स्पेस डॉट, ठीक है, एंटर। तो ये VS कोड में ऑटोमेटिकली ये फोल्डर ओपन हो गया। अच्छा, पीछे टर्मिनल की अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस फोल्डर को विंडोज़ में भी चलता है, वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना एक चेक आ रहा होता है कि सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर VS कोड, अगर उस पर आपने चेक लगाया हुआ है ना इंस्टॉलेशन के टाइम, तो फिर उसमें भी चलता है ये। सम टाइम कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद काम करता है, लेकिन चलता सब में ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है, ठीक है। नॉट जे एस, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, नॉट जे एस के अंदर जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं सबसे पहला काम उसके अंदर हम क्या करते हैं, एन पी एम इनिट, ठीक है जी, एन पी एम इनिट करके एंटर करते हैं, सही है। एन पी एम इनिट का मतलब है कि मैं नॉट जे एस का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट का एक पैकेज बना रहा हूँ मैं इसमें। अच्छा, अब ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा कि भाई इस पैकेज का नाम क्या है, मैंने कहा कोई जो नाम है वही है बस, और डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ खास नहीं दी, बस मैंने एंटर किया जो डिफ़ॉल्ट डिटेल थी वो मैंने कर दिया, तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन बन के आ गया, और इसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो टर्मिनल पे आपसे जिनके बारे में पूछा गया था, जो आपने बताई हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, ये तो मैंने कर लिया पैकेज इनिशियलाइज, पैकेज डॉट जेसन अगर किसी फोल्डर में मौजूद है। सर, ये एक दफ़ा फिर से समझा देंगे? बिल्कुल, दोबारा समझा देता हूँ, देखो बहुत आसान है, एन पी एम इनिट, सही है, एंटर, और कोई एंटर करते जाना है बस, ये आपसे सवाल पूछ रहा है ना पैकेज नेम, आपको ये जो कुछ भी नहीं डालना, एंटर करते जाना है एटलीस्ट फॉर नाउ, और जैसे ही आप एंटर करेंगे लास्ट में ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन के आ जाएगी। अगर ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन के आ गई है तो मतलब आपने स्टेप सही तरह कर लिया है, समझ आया ये? जी सर। अच्छा, अब अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे एक अदद फाइल बनानी है जावास्क्रिप्ट की जिसमें मैं अपना कोड लिखूंगा, उसका नाम मैंने कहा सर्वर डॉट जे एस, एंटर, ठीक है, सर्वर डॉट जे एस करके मैंने एक फ़ाइल बना ली। अब ये जो सर्वर डॉट जे एस की फ़ाइल है मेरी, वो क्या करेंगे हम, उसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, सही है, इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, और कुछ कोड लिखने के बाद वो कोड क्या होगा, वो सबसे पहले तो क्योंकि हम सर्वर बना रहे हैं, सर्वर बनाने के लिए हम कोई ना कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, वो है एक्सप्रेस जे एस, ये लाइब्रेरी है हमारी जिसके ज़रिए हम सर्वर सीखेंगे इस क्लास में। तो इस लाइब्रेरी पर जैसे ही मैं आया, इन्होंने बोला भाई इस लाइब्रेरी को ना पहले इंस्टॉल करना होता है, ये कमांड मैंने कॉपी की और मैंने ला के कहाँ पर चला दिया, इस टर्मिनल में चला दिया, जैसे ही मैं चलाऊँगा ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर ये फोल्डर भी बन के आ जाएगा जिसमें ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आगे गेटिंग स्टार्टेड में गया मैं, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड में गया, उसके बाद हेलो वर्ल्ड में गया, हेलो वर्ल्ड में उन्होंने बोला भाई ये कोड है इसका हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड का कोड है इसका, मैंने कहा ठीक है भाई कॉपी कर लो। अच्छा, अच्छा, तो ये हेलो वर्ल्ड का कोड जो है ना, मैंने इसका कॉपी कर लिया, अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड का कोड कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इसको रन करने की कोशिश की मैंने। अब इसको रन कैसे करूँगा मैं, इसको रन करने के लिए मेरे पास, वैसे तो मैं ये लिखूँगा ना नॉड स्पेस और फाइल का नाम, तो उससे भी ये रन हो जाएगा, नॉड स्पेस और सर्वर डॉट जे एस, इससे भी ये रन हो जाएगा, लेकिन इसको रन करने का जो प्रॉपर तरीका है ना वो ये नहीं है, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ आ गया एग्जाम्पल
ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, ये लिखा हुआ आ गया, मतलब ये मेरा सर्वर जो है वो रनिंग कंडीशन में आ गया है, मेरा सर्वर चल चुका है। अब इस सर्वर को एक्सेस कैसे करेंगे, इससे बात कैसे करेंगे, वो अभी आगे हम सीखेंगे, अभी वो हम नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं चल जाए। सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ जी जी, अभी थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हुआ था जी। कल आपने सर बताया था कि हम जो फाइल बनाते हैं वो m.mjs की बनाते हैं, वो अभी हम वो उस पे जाते हैं, अभी हम उस पे जाते हैं, पहले हम नॉर्मल सी बना लें जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो, फिर हम थोड़ा सा बस उसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो वो हमारा नया वाला हो जाएगा फिर, सही है। अभी फिलहाल मैं वो एज इट इज़ चला रहा हूँ ताकि आसानी सिंपल रखने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं उसको चेंज कर दूँगा। अच्छा तो अब एक तो तरीका है कि मैं इसको लिखूँ कि भाई नॉड स्पेस और फाइल का नाम, एक तो तरीका ये है लिखने का, लेकिन ये इसको चलाने का प्रॉपर तरीका नहीं है। इसको चलाने का प्रॉपर तरीका क्या है, npm start, ठीक है। जैसे ही मैंने npm start लिखा तो क्या हुआ, example app listening on 3000 लिखा हुआ आ गया। अच्छा ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि ये पैकेज डॉट जैसे ना जो सबसे शुरू में बनाया था हमने, इसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना होता है स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉड स्पेस सर्वर डॉट js। अच्छा ये लिखा हुआ नहीं था लेकिन फिर भी मेरा सर्वर कैसे चल गया, वो इस वजह से चल गया कि index.js, server.js, app.js ये कॉमन नाम है, सही है। उसके अलावा अगर आपके फोल्डर में सिर्फ एक फाइल है ना तो उसको वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि यार यही वाली फाइल है, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे लिख दें ये, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट की यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप कर दी, ठीक है। जब भी मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना npm start, तो क्या होता है ये वाली स्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। अगर ये स्क्रिप्ट नहीं भी लिखी हुई हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ना खुद से स्मार्ट है, क्योंकि नॉट जेएस भी थोड़ा सा, तो वो खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा यार एक ही फाइल है तो यही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अच्छा सर पैकेजेस के आगे जेसन लिखा हुआ नहीं आ रहा कोई भी फाइल में, पैकेजेस के आगे जेसन लिखा हुआ इसलिए नहीं आ रहा होगा, ये वाली फाइल की बात कर रहे हो जी जी, आपके पास जेसन लिखा हुआ नहीं आ रहा तो वो आपके ना एक्सटेंशन हिडन होगा, ठीक है। आप व्यू पे क्लिक करें अपने फोल्डर में जाके और वहाँ पे आप चेक लगाएं कि शो फाइल एक्सटेंशन, तो आपको फिर वो शो करने लग जाएगा। अच्छा तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने एक हेलो वर्ल्ड का सर्वर बना के और उसको रन करना सीख लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि यार ये जो डॉट जेएस वाली जावास्क्रिप्ट है ना ये हो गई है पुरानी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको ना डॉट एम जी एस बनाना होगा, एम जी एस बना दिया मैंने इसको, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन में यहाँ रन होता है ना, यहाँ पे भी मैंने एम जी एस लिख दिया, मैंने कहा भाई एम जी एस है मेरी फाइल, मैं क्या लिख रहा हूँ नई वाली जावास्क्रिप्ट। अच्छा नई वाली जावास्क्रिप्ट, अब मैं इसको दोबारा npm स्टार्ट करूँगा जब, तो ये क्या मुझे देगा, एरर देगा कि यार रिक्वायर जो है ना ये भी पुराना कोड है, ये भी आपको चेंज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना छोटी सी सजेशन भी आ रही है, क्विक फिक्स का बटन भी आ रहा है, ये क्विक फिक्स जैसे ही मैंने दबाया तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्ट कर दिया उसको। ये किसने किया, ये मेरे वी एस कोड ने किया, ठीक है। दोबारा कंट्रोल जेड करके दोबारा से दिखा रहा हूँ ये क्या हुआ है, ये छोटा सा नीचे तीन डॉट बना हुआ रहा है, इसका मतलब है कि आपको वी एस कोड कुछ सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा क्या सजेशन दी इसने, कहा भाई रिक्वायर जो है ना वो नहीं है इसके अंदर, फाइल आपकी जो है वो कॉमन जे एस है, न्यू वाली कॉमन जे एस मॉड्यूल है, ठीक है। तो कह रहा है इसको ई एस मॉड्यूल में आप कन्वर्ट कर लो, तो क्विक फिक्स का बटन जैसे ही मैंने दबाया कन्वर्ट टू ई एस एक्स मॉड्यूल आ गया और ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चलाऊंगा तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। अच्छा तो ये फाइल मेरी सक्सेसफुली रन हो गई है, सही है, मेरी मशीन में ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है ये फाइल। और मैं अब इसको क्या करना चाह रहा हूँ, फाइल रन हो गई, इस फाइल को मैं GitHub में भेजना चाह रहा हूँ, इस हेलो वर्ल्ड सर्वर को मैं GitHub में भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा GitHub में भेजने से पहले मुझे एक काम और करना पड़ेगा, ये जो नॉड मॉड्यूल है ना, ये नॉड मॉड्यूल का फोल्डर कभी भी GitHub में हम नहीं भेजते हैं, ठीक है। और अगर आपने गलती से भेज दिया तो फिर वो एरर देता रहता है हर वक्त ना कि भाई नॉड मॉड्यूल आपसे पुश हो गया, इसको डिलीट करो, ठीक है। तो अगर कोई भी फाइल ऐसी होती है जो हम नॉड जो हम GitHub में पुश नहीं करना चाहते, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक git ignore की फाइल बनाता हूँ, .git ignore, git ignore। git ignore के अंदर आके आप किसी भी फाइल या फोल्डर का अगर नाम लिख देते हैं तो क्या होता है, फिर वो GitHub में पुश नहीं होती है, ठीक है। नॉड मॉड्यूल्स
ये मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। तो जैसे ही मैंने ये नाम लिखा, आप देखें इसका जो कलर था वो थोड़ा सा डल हो गया, थोड़ा सा डिम हो गया कलर, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये गिट में अब शामिल नहीं है, ये इग्नोर हो चुका है, ठीक है। मैं आपको वापस करके दिखा रहा हूँ, इसको मैंने कट किया यहाँ से, तो आप देखें ये ग्रीन है इस वक्त इसका कलर। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ये और सेव का बटन दबाया, ये इसका कलर ऑटोमेटिकली डल हो गया। इसका मतलब है दिस फाइल इज़ नाउ इग्नोर्ड। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, इस अपने इस फोल्डर को GitHub में वापस भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मैं GitHub में इसको वापस भेजूँगा। कैसे भेजते हैं GitHub में वापस, git add static, राइट, उसके बाद git commit minus m my first hello world server, ठीक है। ये मैंने मैसेज लिख दिया, उसके बाद मैं बोलूँगा git push origin main, ठीक है, ये पुश हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले ना मेन की जगह मास्टर होता था, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, लेकिन जो गिट का जो नया वाला वर्जन आया है इसके अंदर अब क्या होता है, गिट पुश ओरिजिन मेन होता है। डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नाम इन्होंने अब चेंज करके मेन कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे को वापस पुश कर दिया GitHub के ऊपर। यार ये क्या सीन हुआ, एक फाइल रह गई पता नहीं क्यों, ये एक गिट इग्नोर की फाइल रह गई है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, या ये ग्लिच मास्टर से करके देखिए सर, गिट स्टेटस चेक कर लेना। हाँ, गिट स्टेटस चेक करते हैं, लेकिन ये जब मैंने स्टैरिक लगाया तो ये रह क्यों गई है। अच्छा, अभी ऐड किया तो अब हो गई ऐड। अनट्रैक फाइल, अच्छा ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि ये गिट की ना ये फाइल ऐड नहीं हो रही है। स्टैरिक डॉट स्टैरिक करके देखे नहीं, अच्छा गिट ऐड डॉट किया मैंने तो अब ये हो गई है, अब ये ए लिखा हुआ आ गया ना, इसका मतलब है स्टेज है ये फाइल अब। वेल, अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो कुल मिला के बात ये है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने क्या किया, कमिट करके GitHub में वापस पुश कर दिया। अच्छा, GitHub में वापस जैसे ही मैंने पुश किया इसको, तो यहाँ जाके देखते हैं ज़रा, ये मेरे पास ना बाकी की सारी फाइल यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। यहाँ तक हमने एक काम कर लिया कि अपना एक हेलो वर्ल्ड का सर्वर उठा के बना के और GitHub में वापस भेज दिया, ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था जी सर, ये गिट इग्नोर में हम कोई सी भी फाइल मतलब वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं? हाँ, कोई सी भी फाइल का नाम गिट इग्नोर में लिख देंगे फिर वो नहीं जाती GitHub में, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब समझने की बात यहाँ पे क्या है, समझने की बात यहाँ पे ये है कि पहले तो ना ये जो इतना सर्वर हमने चला लिया है, इससे थोड़ा ना हम खेल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और ये हमने बनाया क्या है असल में। उसके बाद फिर उसके फौरन बाद इसको हम क्या करेंगे, क्लाउड में होस्ट करेंगे इंशाल्लाह, आज ही करेंगे हम ये। अच्छा, हम बाद में भी तो अपडेट कर सकते हैं इसको, इसको अपडेट तो जाहिर है जैसे आप करते हैं ना, जैसे HTML की फाइल आप अपडेट करते हैं भेजते हैं अपडेट हो जाती है, सेम उसी तरह ये भी है। तो इसको आप जब भी चाहें अपडेट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमने बना लिया ना एक क्या कहते हैं एक हेलो वर्ल्ड जो सर्वर हमने बना लिया है, अब इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये हमने बनाया क्या है, ये हो क्या रहा है। अच्छा, मैं ज़रा सा अपना कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हुआ इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है सर्वर बनाने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक्सप्रेस की ऐप जो है इनिशियलाइज हो गई, जो लाइब्रेरी हमने उठाई थी। लाइब्रेरी क्या होती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन को मिला के एक जगह कर देते हैं तो लाइब्रेरी बन जाती है, ठीक है। तो अब एक्सप्रेस के जो जो सारे फंक्शन होंगे वो सब इसके अंदर इनिशियलाइज हो गए। अच्छा, ये मुझे किसने बताया, ये मुझे एक्सप्रेस वालों ने बताया कि हमारी लाइब्रेरी ऐसे इनिशियलाइज होती है, ठीक है। कोई दूसरी लाइब्रेरी मुख्तलिफ तरीके से इनिशियलाइज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या बताया, कॉन्स्टेंट पोर्ट, पोर्ट का नंबर बताया हमने, सही है, एक वेरिएबल बना के पोर्ट का नंबर। फिर हम बाद में ना इस ऐप को हम इसी पोर्ट पे रन करेंगे,
ठीक है, इस पोर्ट, अब ये पोर्ट क्या चीज़ होती है ये भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको समझें कि ये पोर्ट एक नंबर है जिस पर ये रन होगा, ठीक है। जैसे आप जब आप लाइव सर्वर रन करते हैं VS कोड में, तो वो कोड, वो पोर्ट चलती है 5000 गालबन या 55000, ठीक है। तो ये पोर्ट है एक तरह का, ठीक है, आपकी मशीन के अंदर। तो जब ये आपके मशीन में जब सर्वर चल रहा होगा ना, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पोर्ट 3000 लिखेंगे, तो ये एक्सेस होगा। अच्छा, उसके बाद एक गेट है, ऐप डॉट गेट, कि अगर इस सर्वर पे गेट की रिक्वेस्ट आए तो क्या करना है, वो मुझे इसके अंदर यहाँ लिखना है, ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड सर्वर है, तो अभी मेरा ये सर्वर सिर्फ एक रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, बाकी कोई भी रिक्वेस्ट इसके पास आएगी ये उसको हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये एक रिक्वेस्ट हैंडलर बनाने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऐप डॉट लिसन कि इस ऐप को चला दो इस पोर्ट नंबर पे, ये पोर्ट नंबर यानी 3000। अच्छा, मैं डायरेक्ट भी यहाँ 3000 लिखता तो भी एक ही बात थी ना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मैं ऊपर मेरी डायरेक्ट 3000 लिखूँगा तो भी एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी 3000 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, वेरिएबल बना के लिखा था, लेकिन वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा 3000 पोर्ट पे मेरी इस ऐप को चला दो, ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, एक इसमें और बनाते हैं। मैंने कहा गेट की रिक्वेस्ट जब आए ना, स्लैश होम स्लैश प्रोफाइल, तो यहाँ से रिस्पॉन्स भेजो आई एम होम पेज और आई एम प्रोफाइल पेज, ठीक हो गया। मैंने अब अपने हेलो वर्ल्ड सर्वर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है, मैंने इसको अब ये दो रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, नंबर एक रिक्वेस्ट, नंबर दो रिक्वेस्ट, ठीक है। पहले सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट हैंडल करता था, अब ये दो करेगा। अच्छा, क्या होगी वो रिक्वेस्ट, गेट की रिक्वेस्ट होगी स्लैश होम, तो ये एक मुख्तलिफ रिस्पॉन्स देगा। गेट की रिक्वेस्ट होगी स्लैश प्रोफाइल, तो ये एक मुख्तलिफ रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अभी ये हो सकता है ये बात समझ में ना आ रही हो, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगी। फिर हम सर्वर की थ्योरी भी पढ़ेंगे, अभी हमने सर्वर की थ्योरी नहीं पढ़ी है, हमने ये देखा था कि सर्वर होता क्या है, लेकिन सर्वर काम कैसे करता है, सर्वर क्या उसके तरीक़ेकार है, उसकी जो थ्योरी है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले इसको होस्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद वो पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम, इसको इस सर्वर को अब एक्सेस कैसे करना है वो हम देखना चाह रहे हैं। ये बन तो गया, दो हैंडलर बन गए, मैंने बोल दिया कि बन गए, लेकिन चला के नहीं देखा हमने अभी तक कि यार ये जब दो हैंडलर हैं इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो मैं इस सर्वर को पहले तो रन कर देता हूँ, मैंने कहा npm start ताकि ये सर्वर रन हो जाए। ये सर्वर मेरा 3000 पोर्ट पे चल चुका है, ठीक है। ये मेरा सर्वर किस पे चल रहा है इस वक्त, 3000 पोर्ट पे चल रहा है ये सर्वर मेरा। अच्छा, अब इस सर्वर को मैं एक्सेस कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे एक अदद वो बनाना पड़ेगा ना, अपना फ्रंट एंड, वो कहाँ गया मेरा वो वाला कोड, वेदर ऐप वाला, न्यू विंडो और वेदर ऐप वाला जो मेरा कोड था ना, उसके नीचे मैं एक और बनाता हूँ, ये रहा, ठीक है। जब ये वेदर ऐप मैंने बनाई थी ना, इसी को मैं कॉपी करके ना एक और बनाता हूँ, जाहिर है क्योंकि सर्वर को बगैर मैं फ्रंट एंड के कैसे एक्सेस करूँगा, ठीक है। क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट इसका नाम दे देता हूँ मैं, वैसे कोई भी इसका नाम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट नाम हो इसका। अच्छा, इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्जियोस की लाइब्रेरी चाहिए, सही है, एक्जियोस मैंने रहने दिया। अच्छा, ओके, अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें गेट वेदर का फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो पहले ये होता था कि मैं ये फॉर्म फिल करने के बाद जब सबमिट का बटन दबाता था तो ये गेट वेदर का फंक्शन चलता था, और ये गेट वेदर का फंक्शन कहाँ रिक्वेस्ट भेजता था, गेट वेदर का फंक्शन इस API पे रिक्वेस्ट भेजता था, ये किसी दूसरे का बनाया हुआ सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट भेजता था। मैं कहता हूँ नहीं भाई, अब भेजोगे आप मेरे सर्वर पर रिक्वेस्ट, अब आप रिक्वेस्ट कहाँ भेजोगे, मेरे सर्वर पर। मेरे सर्वर का एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 3000, सही है, स्लैश होम, ठीक है, ये मेरे सर्वर का क्या है, एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, शुरू में मैं इसके HTTP ये भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरा सर्वर है, अभी चल रहा है वो, इसी मशीन में चल रहा है, उसको एक्सेस करना है आपने, किसी और के डेटा को एक्सेस नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया हुआ ना, ये सब मैं उड़ा देता हूँ,
सही है। अच्छा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अच्छा अब जाहिर है क्योंकि मैंने अपना सर्वर कॉल किया तो वेदर डेटा तो वहाँ से आएगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा। इसको सिर्फ डेटा कर देता हूँ मैं, अब ये वेदर डेटा नहीं है। सही है, वेरिएबल का नाम क्योंकि रेलेवेंट होना चाहिए। तो मैंने बोला कि अब एक अदर वेदर ऐप है, वो उस वेदर ऐप की मैंने कॉपी बनाई है। अब उसके अंदर जब फॉर्म फिल करके सबमिट का बटन कॉल हो ना, तो मेरा सर्वर कॉल होना चाहिए, ठीक है, मेरे सर्वर का एड्रेस कॉल होना चाहिए, और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया उसको कॉन्सोल पे प्रिंट करवाना है आपने, ठीक है। बल्कि रिजल्ट के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ ना, रिजल्ट में भी प्रिंट। मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, ये मैंने बोला कि भाई इसको रिजल्ट के अंदर भी दिखा दो, जो भी डेटा है ना सर्वर से उसको रिजल्ट के अंदर दिखा दो। अच्छा देखो, अब ये लोकल होस्ट 3000/home के ऊपर जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो यहाँ से रिस्पॉन्स मैंने क्या बताया हुआ है, रिस्पॉन्स क्या जाना चाहिए, आई एम होम पेज, ये रिस्पॉन्स यहाँ से चला जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रिस्पॉन्स जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाना चाहिए। चलाते हैं इस वेदर ऐप को, हम इस अपनी नई वेदर ऐप को जो हम चला के देखते हैं। ये मेरी वेदर ऐप है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो नोट करना है आपने, नेटवर्क में आ गई, ये डेवलपर टूल है ना, ऐसे नेटवर्क में आप आ गए, नेटवर्क में आ गई, ये क्लियर करने का बटन है। अगर कुछ पहले से यहाँ है तो इससे क्लियर करेंगे आप। अब मैं यहाँ पे ना कुछ भी लिखूँगा, ABC लिखा मैंने कुछ भी, और गेट वेदर का बटन दबाया। अच्छा गेट वेदर का जैसे ही बटन दबाया तो देखो यहाँ पे क्या हिट हुआ, मेरा सर्वर हिट हुआ, ठीक है। अच्छा ये कोर्स पॉलिसी का इसने एरर मुझे दे दिया, वो क्यों दे दिया भला, इसको मैं काम करता हूँ लाइव सर्वर पे चलाता हूँ, इसको मैं लाइव सर्वर पे रन करता हूँ, सही है। ये जो मेरा वेदर ऐप है अभी नई वाली वेदर ऐप, इसको मैं किस पे रन कर रहा हूँ, लाइव सर्वर पे। अच्छा लाइव सर्वर आई डोंट लाइक इट वेरी मच, अभी हम इसका हल निकालते हैं, ऐसा हल निकालते हैं कि हमें लाइव सर्वर की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा रिफ्रेश कर लिया मैंने इसको, मैंने यहाँ पे लिखा ABC और ABC लिख के गेट वेदर दबाया। अच्छा ये कोर्स का इशू अभी भी आ रहा है यार, क्या बकवास है ये। चलो कोर्स के इशू का पहले हल निकालते हैं, ये कोर्स का इशू ना मेरे सर्वर के वजह से आ रहा है। अच्छा इसको हल करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है कोर्स, इम्पोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, सही है। अब ये कोर्स की लाइब्रेरी कहाँ पर होती है ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। सर्वर हमने हेलो वर्ल्ड बना लिया, अब उसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये npm की ना कोर्स की लाइब्रेरी है, इसके ज़रिए ये हल होता है मसला, ठीक है। npm install कोर्स करके इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है इसको, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। ये बस ये एक लाइन का कोड है, अभी ये कोड कर क्या रहा है उसको फ़िलहाल अभी हम इग्नोर करते हैं, ये हम कोर्स क्या करता है वो हम बाद में समझेंगे, सही है। टू कीप इट सिंपल अभी हम इसको फ़िलहाल इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा मैंने ये बंद किया लाइव सर्वर, लाइव सर्वर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक ज़िंदगी में। अच्छा और मैं इसको अब दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ बग़ैर लाइव सर्वर के, नॉर्मल तरीके से। अच्छा अब मैं गया दोबारा से नेटवर्क में और होपफुली अब ये सही कॉल हो जाएगा। मैंने कहा ABC और गेट वेदर का बटन दबाया, अबे अब क्या मसला है, यही तो लिखा है मैंने। http://localhost:3000 अरे कैन नॉट गेट, क्या मेरा सर्वर क्रैश तो नहीं हो गया, मेरा सर्वर तो चल रहा ही नहीं है, क्या सीन है ये भाई। /home/profile, अच्छा /home है ना, /home, हाँ आई एम होम पेज, सही है सर्वर तो चल रहा है मेरा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, /home लगा हुआ तो है यहाँ पे। अरे यार ये क्या सीन है, दोबारा इसको लाइव सर्वर पे ज़रा चलाने की कोशिश करते हैं। सर एक बार सिटी नेम सही डाल के देख लो। नहीं सिटी नेम तो मैंने URL में खैर डाला ही नहीं है ना, मैंने URL में ना सिटी नेम डाला ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किया।
सर ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है भला? अच्छा कोर्स लगाने के बाद मैंने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया। अच्छा सही है, जब भी आप सर्वर में कोई चेंजेस करते हैं ना तो सर्वर को आपको रीस्टार्ट करना होता है, इसलिए अच्छा वो इंस्टॉल भी तो नहीं किया मैंने कोर्स को। NPM I कोर्स, ठीक है, कोर्स को इंस्टॉल भी करना था और मैंने सर्वर को रीस्टार्ट भी करना था। सर्वर में जब भी कोई चेंजेस करते हैं सर्वर को रोक के चलाना होता है, इस वजह से ही एरर आ रहा था। ठीक है, सर्वर को अब मैंने रोक के चलाया तो वो अपडेट हो गया। ठीक है जी, अब होपफुली इसको काम करना चाहिए। रिफ़्रेश कर लिया मैंने अपनी वेदर ऐप को, ABC और एंटर फाइनली। तो अच्छा रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, मैंने कहा ABC और गेट वेदर। अब आप देखो जैसे ही मैंने गेट वेदर का बटन दबाया ना, अब ये मेरी URL को हिट कर रहा है। पहले ये वेदर का जो सर्वर था ना ओपन वेदर API उसको हिट करता था, अब ये मेरे वाले को कर रहा है। अच्छा, और मेरे पास से जो रिस्पॉन्स आया ना वो भी ये मुझे दिखा रहा है। अब आ जाते हैं हम कॉन्सोल पे। कॉन्सोल पे आके मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने ABC कुछ भी लिखा और गेट वेदर दबाया, तो देखो जो रिस्पॉन्स को मैंने प्रिंट करवाया ना लाइन नंबर 38 में जो मैंने प्रिंट करवाया रिस्पॉन्स अपना, उसमें वो रिस्पॉन्स आ रहा है जो मेरे सर्वर से मैंने भेजा है। इसमें वो रिस्पॉन्स आ रहा है जो मेरे सर्वर से मैंने भेजा है, वो रिस्पॉन्स अब यहाँ पे शो करता है ये। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला जो है ये क्लाइंट है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है, इससे हम एक सर्वर हिट कर रहे हैं और ये मेरे सर्वर का कोड है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया है, हमने क्लाइंट सर्वर की ना कम्युनिकेशन करवा ली है, अभी छोटी सी करवाई है, बहुत छोटी सी। अच्छा, तो अब मैं इसमें बनाता हूँ एक अदद और वेदर तीन। ठीक है, मैं वेदर बनाता हूँ, WEATHER वेदर। अच्छा, वेदर के अंदर ना अब मैं इसको क्या भेजता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, जाहिर है जेसन ऑब्जेक्ट मिलता था ना हमें, तो मैंने कहा भाई वेदर सनी है और टेम्परेचर 20 है और क्या है सिटी लंदन है। ठीक है, तीन चीज़ें भेज दी मैंने फ़िलहाल, और भी भेज सकता हूँ, जितना डेटा चाहूँ मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, जैसे वेदर की API जब हम उनकी कॉल करते थे ना तो वो भी हमें कितना भर के डेटा भेजते थे सारा। मैंने फ़िलहाल अभी ये डमी डेटा उसको बोलते हैं कि मतलब ऐसे ही अपने तौर पर, सही है, एक फ़र्ज़ी वेदर का डेटा मैं यहाँ से अभी क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करवाता हूँ स्लैश वेदर कॉल करने पर। ठीक है, अब आते हैं ज़रा। अच्छा, मुझे सर्वर को रोक के इसको दोबारा चलाना होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं, सर्वर को रोक के नहीं चलाऊंगा तो मेरा मसला हल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया स्लैश होम कॉल करने के बजाय अब स्लैश वेदर कॉल करूँगा मैं। स्लैश वेदर जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, जो मैं यहाँ से फ़र्ज़ी डेटा भेज रहा हूँ ना, ये मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर मुझे मिल जाएगा और ये कॉन्सोल पर प्रिंट भी हो जाएगा और ये रिज़ल्ट inner.inner.html में भी ये जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव होगा रिस्पांस के अंदर। हाँ, जैसा वेदर से आता था ना ऑब्जेक्ट, अब वैसा आएगा मेरे पास ये। अच्छा, ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो रिस्पांस होगा या रिस्पांस डॉट डेटा? यानी देखो ये तो तुम इसको छोड़ दो, ये सर्वर है यहाँ पे ना, यहाँ से जो मैं लिखूंगा वो क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि यहाँ रिस्पॉन्स डॉट है या RES.  क्या है। ये जो है ना यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है ये मुझे किसने बताया, ये मुझे एग्जियोस ने बताया कि भाई जब भी मैं इंटरनेट से जाऊँगा ना, क्योंकि ये मैं एग्जियोस को बोल रहा हूँ कि भाई जाए इस सर्वर पे, ये मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं एग्जियोस को बोल रहा हूँ कि भाई तू जाए इस सर्वर पे और देख क्या देता है ये तुझे लेकर आना वहाँ से। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स मुझे एग्जियोस ला के दे रहा है, तो एग्जियोस की लाइब्रेरी ने मुझे ये बताया है कि जब भी मैं जाऊँगा, एग्जियोस बोलता है कि जब भी मैं जाऊँगा सर्वर पे वहाँ से कोई डेटा उठा के लाऊँगा तो आपको कैसे मिलेगा, आपको रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मिलेगा। ठीक है और ये दूसरी लाइब्रेरी में ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा मुख्तलिफ हो सकता है उस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अच्छा दूसरा, यहाँ से जो मैं भिजवाता हूँ डेटा कि स्लैश वेदर आने पे क्या करो, RES.send करो। ठीक है, ये RES कौन बताता है मुझे, ये बताता है एक्सप्रेस की लाइब्रेरी। ठीक है, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी बोलती है कि भाई एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक कोड है, एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो किसी ने बना के जो है ना आपके लिए रख दिया है और आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने RES.send लिखा है ये मुझे बता रहा है एक्सप्रेस की लाइब्रेरी। एक्सप्रेस ने बोला है कि कभी भी कोई आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तो आप जब उसका रिस्पॉन्स भेजना चाहेंगे तो आपको ऐसे भेजना है। अगर एक्सप्रेस के अलावा कोई और लाइब्रेरी आप यूज़ करते हैं सर्वर बनाने की तो उसमें ये चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है, वो आपको वो लाइब्रेरी बताएगी कि रिस्पॉन्स कैसे भेजना है। ठीक है जी, तो ये हमने दोनों देख लिया। तो हमने कहा भाई अब हम कॉल करेंगे स्लैश वेदर कॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि
स्लैश वेदर से जो भी डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। और हम ये जानते हैं कि स्लैश वेदर पे एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए क्योंकि सर्वर से मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं ये ऑब्जेक्ट इसी तरह प्रिंट होता है या नहीं होता। मैंने यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करके कुछ भी ABC लिख कर मैंने गेट वेदर किया। अब आप देखो ये सेम उसी तरह का ऑब्जेक्ट आ रहा है जैसा आपको वेदर की API भेजा करती थी, ठीक है। तो अब हम काफ़ी करीब करीब पहुंच गए हैं कि हम बिल्कुल जो वेदर API हमने कॉल की थी, जो वेदर का सर्वर हमने कॉल किया था, हम करीब करीब पहुंच गए कि हम बिल्कुल वैसा सर्वर अपना बना सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट बना लिया हमने, बस वो ज़्यादा डेटा भेजता था, अभी हमारे पास 3 सिर्फ हैं डेटा पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे ये ज़ाहिर ऑब्जेक्ट को आप इनर HTML में जब करते हैं तो वो प्रिंट नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और दफ़ा समझा देंगे। कहाँ से नहीं समझ आया बताओ, आपने बिल्कुल वो करवाया ना स्टार्ट से ही। हाँ जी जी बिल्कुल स्टार्ट से करवाया। क्या तो ये आपने कैसे एग्जॉस्ट से कैसे करवाया? एग्जॉस से देखो ये है मेरे सर्वर का कोड, ये बिल्कुल अलग फोल्डर पे है, ये डेस्कटॉप पे बना हुआ है, इसको मैंने छोटा किया, ये ना यहाँ डेस्कटॉप पे बना हुआ है। माई फर्स्ट वेबसाइट नहीं है, माई फर्स्ट ये Node.js सर्वर ये बना हुआ है, ठीक है। ये मेरे सर्वर का कोड है, ये है मेरे फ्रंट एंड का कोड, ये है मेरी एक वेबसाइट। ये कौन सी वेबसाइट है? ये वेदर वाली वेबसाइट है, उसकी मैंने कॉपी बना ली है। देखो ये वेदर ऐप थी ना, इसी की मैंने कॉपी बना ली, उसका नाम रखा है क्लाइंट, ठीक है। उसमें मैंने एक फॉर्म बनाया है और इसके अंदर जब क्लिक होता है ना तो गेट वेदर के ऊपर अब मैंने अपना सर्वर कॉल करवाया है, बजाय उनका करवाने के अपना सर्वर कॉल करवाया है, ठीक है। और ये मेरा सर्वर कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और ये रन भी हो रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप पे बना हुआ है और ये नीचे देखो यहाँ पे रन हो रहा है ये सर्वर, ठीक है। ठीक है सर। और इस सर्वर में मैंने पहले बनाया था स्लैश होम, पहले इसको कॉल करवाया था, स्लैश प्रोफाइल भी ये हैंडल कर सकता है। अब स्लैश वेदर के ऊपर जो है ना, पहले मैं भिजवाता था टेक्स्ट, अब मैं भिजवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा बाय द वे हम हमेशा ऑब्जेक्ट ही भिजवाएंगे, REST API में ना हमेशा ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें जाती हैं। अब ये भाई मेरा काम हो गया, इसको मैं रोक के दोबारा चला लेता हूँ जस्ट इन केस कि अगर कोई चेंजेस रह गई हो। अच्छा रोक के दोबारा मैंने चला लिया, मैं वापस आया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख कर भेजूँगा तो मुझे देखो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, अब मैं कैसे करवाऊँगा? मैं बोलूँगा भाई डेटा डॉट टेम्परेचर, ऐसे ही भेजा है मैंने, डेटा के अंदर टेम्परेचर आता है 20। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये जो आपने फाइल वेदर ऐप की ली है उसी फोल्डर में रखी है, आपने अलग उसमें बनाई है वेदर ऐप को? तो वो पुराना वाला तो अपनी जगह पर है, मैंने उसको कॉपी कर दिया है, एक उसको डुप्लीकेट मारा है। ये देखो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये वेदर ऐप वो है जो हमने पहले बनाई थी, ठीक है। इस मैंने इसको कॉपी किया है, इसका नाम रखा है क्लाइंट, ठीक है। और अब हम इस फाइल में मौजूद हैं फिलहाल, हम अभी ना, ठीक है, इस फाइल में मौजूद हैं अभी। तो वो वेदर ऐप कहीं नहीं गई, वो अपनी जगह पर है, उसको टेंशन नहीं लो उसकी। सर सर्वर के फोल्डर में रखना है ये सब? अरे मेरा बच्चा, अभी तो मैंने सर्वर ना डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, अभी मैंने सर्वर ये नहीं बताया कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, ठीक है। अभी तो मैंने सर्वर कहाँ पे बनाया हुआ है? डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, ठीक है जी सर। और मैं उसको कॉल कहाँ से कर रहा हूँ? जहाँ पे वेदर ऐप बनी हुई थी वहाँ से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अभी आप इमेजिन कर लो, इमेजिन ये जो क्लाइंट है ना आपका ये वाला, इमेजिन कर लो कि ये वही वेदर ऐप है लास्ट वाली, बस अब उसमें हम अपना सर्वर कॉल कर रहे हैं। और ये मेरा जो सर्वर जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो है कहाँ पे? वो डेस्कटॉप पे बना हुआ है अभी, ठीक है। और सर जो सर्वर का डेटा लिया, सर्वर का जो डेटा है ना ये वाला रिस्पांस जो है, देखो ना यहाँ पे जब मैं हिट करता हूँ ना स्लैश वेदर, तो ये सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, कहाँ जाती है? इस वाले पे आती है रिक्वेस्ट, और यहाँ से ये रिस्पांस जाता है वापस, और ये रिस्पांस यहाँ पे डेटा की सूरत में प्रिंट हो जाता है। समझ आया ये? अच्छा सर ये अच्छा अभी ना 2 मिनट आप दें बस, ये अब इसको मैं होस्ट करवाने लगा हूँ क्लाउड में ना। अब मैं इसको कहाँ भेजने वाला हूँ? अब मैं इसको भेजने वाला हूँ क्लाउड में सर्वर को। तो जैसे ही ये सर्वर क्लाउड में चला जाएगा ना तो ये सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो बहरहाल तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ABC लिखा और गेट वेदर दबाया, तो ये 20 यहाँ पे ना टेम्परेचर मैंने प्रिंट करवा दिया कि जो भी 20 टेम्परेचर आया था
वो प्रिंट हो जाए, लंदन भी प्रिंट करवा सकता हूँ, इसी तरह वेदर सनी है वो भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अच्छा अब मैंने जो करना है ना, अभी जो मैं एक्सेस कर रहा था मेरे सर्वर को, मेरा सर्वर इस वक्त चल रहा है किस पे, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, यानी मेरी ही मशीन में मेरा सर्वर चल रहा है। मेरा फ्रंट एंड भी मेरी मशीन में है, मेरा सर्वर भी मेरी मशीन में है। मैं चाहता हूँ यार मेरा सर्वर अब कहाँ पे जाए, मेरा सर्वर अब क्लाउड में चला जाए। तो मैं पहले तो तमाम चेंजेस उठा के इसकी भेज देता हूँ, ठीक है, कि हेलो वर्ल्ड सर्वर कंप्लीटेड, ठीक है। तमाम चेंजेस पहले तो मैंने गिटहब में भेज दी इसकी। अब जाके गिटहब में ज़रा देखते हैं कि सारी चेंजेस वहाँ पहुँच गई है कि नहीं पहुँच गई। रिफ्रेश किया मैंने, हेलो वर्ल्ड सर्वर, ठीक है यार, क्या हुआ, पहुंची नहीं है वापस। पहुंचा नहीं है वापस चेंजेस, हाँ अब पहुंच गया। अच्छा रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है 27 सेकंड्स अगो सारी चेंजेस यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। अब ये जो मेरी रिपोजिटरी है ना, ये मेरा एक हेलो वर्ल्ड सर्वर है, ये एक ऐसा सर्वर है जो मुझे वेदर का डेटा बताता है, फेक डेटा बताता है, वो रियल नहीं होता वेदर का डेटा। मेरा जो सर्वर है वो मुझे वेदर का डेटा बताता है, जब स्लैश वेदर कॉल करो मुझे कोई ना कोई डेटा देता है, वो फेक वेदर डेटा है फिलहाल। अब कल को इंशाल्लाह हम असली डेटा भी भिजवाएंगे अपने सर्वर से। अच्छा अब मेरा जो सर्वर है इसको मैंने क्लाउड में किसी जगह होस्ट करना है। ये जो मेरा छोटा सा एक हेलो वर्ल्ड सर्वर है जो इस काबिल है कि वेदर का डेटा बता सकता है, फेक है डेटा बताता है जो फेक डेटा। अब इस छोटे से सर्वर को मैं चाहता हूँ कि क्लाउड में कहीं होस्ट हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा heroku.com एंटर। अच्छा ये एक्सियोस वाला डेटा रियल वाला नहीं आ रहा है, ये हमने अपना बना के ऑब्जेक्ट डाला, ये हमने अभी अपना बनाया है वो आ रहा है, ठीक है। ये heroku.com है, इसको आपने लॉगिन करना है, इस पे आप सब लोगों ने अकाउंट होपफुली बना लिया होगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इसकी जिक्र इसका कर दिया था आप लोगों से। क्या भाई देर वाज अ प्रॉब्लम, अरे यार एक तो इसके मसले जो है ना, अब इसका क्या करूँ मैं, चलो कोई और अकाउंट लगाते हैं। अभी ये तो किसी का नहीं खुल रहा, क्या हो गया, अकाउंट ही नहीं खुल रहा, क्या सीन है भाई। चलो फॉरगेट पासवर्ड करके देखते हैं, चेक योर इनबॉक्स, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना। सही है भाई, ये रीसेट पासवर्ड आ गया मेरे पास। अब मैं इसके अंदर पासवर्ड डालता हूँ कुछ सजेस्ट दिख रहा है स्क्रीन पे भाई, नहीं काम करता हूँ ना, मैं वही पासवर्ड लगा देता हूँ जो पहले था। ओड़े भाई मस्ट कंटेन 3 lower 4 lower, इतना मुश्किल पासवर्ड चाहिए। अच्छा करते हैं अभी इसका, अच्छा क्या चाहिए इसको, मस्ट कंटेन 3 or 4 कैपिटल हैं, अच्छा 3 of the 4 कैपिटल लोअर नंबर और सिंबल। अच्छा फाइनली ठीक है, पता नहीं कुछ इशू हो गया था इसको, लेटर फाइनली हमारा हरिको जो है वो लॉगिन हो गया। अच्छा अब हरिको जब मेरा लॉगिन हो गया ना, ओ एक छोटा सा काम तो मैंने और किया नहीं है, एक छोटा सा काम मैंने और नहीं किया हरिको पे चलाने के लिए ना, मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ता है, वो काम ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है मुझे, सही है, एक छोटा सा चेंज है ये हरिको की असल में रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम इसको समझते भी हैं, इस लाइन को इंशाल्लाह, ये पोर्ट को और इस लाइन को भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी सर्वर की पूरी थ्योरी को हम समझेंगे कि ये काम करता कैसे और ये क्यों ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं,
ठीक है, ये भी छोटी सी चेंज मैंने की है, छोटा सा चेंज करके मैंने इसको, मैंने कहा माइनर चेंज, और इसको भी मैंने गिटहब में पुश कर दिया। ठीक है, ये अगर नहीं करूँगा ना तो फिर ये एरर देना शुरू कर देता है हरी को। सर क्या चेंज किया वो गिटहब पे पुश करेंगे ना? हाँ, गिटहब में पुश कर दिया मैंने, गिटहब में पुश मैंने ये कर दिया है। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आ चुका होगा ये, देखो 17 सेकंड अगो ये चेंज हुआ है। ठीक है, और ये server.mjs इसमें ये चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है जो मैंने अभी अभी किया है मेरी मशीन से। अच्छा, तो वेल, तो कुल मिला के बात ये है कि मेरा हेलो वर्ल्ड का सर्वर अब तैयार है हरिको पे जाने के लिए। मैं हरिको पे गया, हरिको पे जाने के बाद मैंने कहा कि भाई एक ना नई ऐप बनाओ, न्यू, क्रिएट न्यू ऐप। और क्रिएट न्यू ऐप के बाद मैंने बोला कि भाई हेलो ऐप, अच्छा हेलो ऐप इज़ नॉट अवेलेबल, हेलो ऐप के आगे 1, 2, 3 लगा देते हैं, वेदर ऐप लिखते हैं ना, बल्कि वेदर ऐप डैश ऑनलाइन। सर ये सारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर, अच्छा तो ये मैंने माई वेदर ऐप और ऑनलाइन करके लिखा ना तो ये अवेलेबल है। इसमें ये चेक कर होता है कि कुछ नाम अवेलेबल होते हैं कुछ नहीं होते। क्रिएट ऐप कर दिया मैंने। अरे ये कह रहा है कि आपकी ना 5 ऐप कंप्लीट हो गई है तो आप नई ऐप नहीं बना सकते, तो चलो एक काम करते हैं फिर कोई एक ऐप डिलीट करते हैं, सही है, उसके बाद बनाएंगे। अच्छा ये डिलीट दिस करके लिखा हुआ है ना, इसको डिलीट, किसी एक ऐप को डिलीट करना पड़ेगा मुझे जब भी मैं दूसरी ऐप बना सकता हूँ, अदरवाइज मैं दूसरी ऐप नहीं बना सकता। अरे भाई क्या सीन है ये, अच्छा एक ऐप मैंने डिलीट कर दी, वेल डन भाई क्या बात है। अब मैं अब बनाने की कोशिश करते हैं, अब बन जाएगा ये। हाँ फाइनली हमारी ये हरिको की एक ऐप क्रिएट हो गई है। अच्छा ये ऐप जो है वैसे तो पेड है लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ ट्रायल मिलता है जो, तो उस ट्रायल के को करते हुए हम क्या करेंगे, यानी वो जो ट्रायल पीरियड है मेरा उसमें मेरा डेवलपमेंट सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा जैसे ही मैंने ये ऐप ओपन किया आप देखें यहाँ पे टैब्स बने हुए, ओवरव्यू, रिसोर्स, डिप्लॉय, मैट्रिक, तो मैं डिप्लॉय वाले टैब में आया हुआ हूँ। ठीक है, राइट नाउ मैं डिप्लॉय वाले पे, आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिप्लॉयमेंट मेथड्स नज़र आएंगे। आपको क्या नज़र आएंगे, डिप्लॉयमेंट मेथड्स। अच्छा डिप्लॉयमेंट मेथड में ना इनके 3 बेसिक तरीके हैं, हरिको CLI जो जिसका मैंने आर्टिकल आपको भेजा था, दूसरा GitHub कनेक्शन, तीसरा है कंटेनर रजिस्ट्री। तो मैं दरमियान वाला जो है ना GitHub कनेक्शन ये सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा फेमस है ये, तो ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे नीचे बटन आ गया कनेक्ट टू GitHub, जैसे ही मैंने कनेक्ट टू GitHub दबाया तो ये मुझे क्या कह देता है, मेरा GitHub यहाँ पे देखो कनेक्ट हो गया। अच्छा लॉगिन विद GitHub का पूरा प्रोसेस करता है, मेरा क्योंकि पहले से कनेक्टेड है तो उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, मैंने दबाया फ़ौरन मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। अच्छा मेरा नाम जब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो मैं यहाँ पे रिपॉजिटरी का क्या लिखूँगा, नाम लिखूँगा। मैं जाता हूँ मेरी रिपॉजिटरी का नाम यहाँ से कॉपी करके लाता हूँ, ये मेरी रिपॉजिटरी का नाम है, राइट, ये मैंने कॉपी कर लिया। जैसे ही मैं यहाँ पर नाम लिख के एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर ना ये मेरे पास आ गया, ये मेरी रिपॉजिटरी है ना, मैंने कनेक्ट का बटन दबा दिया और ये मेरी रिपॉजिटरी क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा कनेक्ट होने के बाद मुझे नीचे 2 बटन दिख रहे हैं, इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज, ठीक है, और डिप्लॉय ब्रांच। ये दोनों बटन मैंने एक एक दफ़ा दबा देना है, बस काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए फिर। ठीक है, अच्छा चल रहा है भाई, चल रहा है ज़बरदस्त। अच्छा तो ये ऐप मेरी ना डिप्लॉय सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। अब इसको ना ये ओपन ऐप का छोटा सा बटन आ रहा है टॉप पे, ठीक है, ओपन ऐप का बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये मुझे क्या करके देता है, ये मुझे एक URL खोलता है, मैंने कहा /home, तो ये मेरा ना सर्वर यहाँ पे चल पड़ा है। ठीक है, अब मेरा सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है, अब मेरा सर्वर रन हो रहा है myweatherapponline.harikoapp.com। ये एक क्लाउड में जा चुका है मेरा सर्वर अब। ठीक है, अब मैं अपने सर्वर को कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं इस URL के थ्रू इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये URL मुझे किसने दिया है, ये URL मुझे हरिको के क्लाउड ने दिया है जहाँ पे मेरा सर्वर इस वक्त जा चुका है। ठीक है, अब तो अब जो मेरी वेदर ऐप है, अब मैं इसमें URL कौन सा लगाऊँगा,
अब मैं यू आर एल लगाऊंगा ये वाला, ठीक है, बिल्कुल असली सर्वर हो गया हमारा, अब बिल्कुल असली सर्वर तैयार कर लिया हमने, ठीक है। पहले इस जगह पे यूआरएल लिखते थे हम किसी के सर्वर का, किसी दूसरे बंदे के सर्वर का, वेदर ऐप, वेदर एपीआई वालों का, ठीक है। ये हमारा खुद का सर्वर है अब, जो किस कहाँ पे चल रहा है इस वक्त, जो हरिको के क्लाउड पे डिप्लॉयड है, सही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मैं हरिको पे डिप्लॉय करूँ, गूगल के क्लाउड पे भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, आईबीएम के क्लाउड पे भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, अमेज़ॉन एडब्ल्यूएस के भी क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो फ्री ऑप्शन था वो हरिको था, इसलिए मैंने वहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब ज़रा इसको करके देखते हैं, चला के देखते हैं इस वेदर ऐप को दोबारा, ठीक है। इसका मैंने कॉपी पाथ किया, और कॉपी पाथ करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ये मेरी वेदर की ऐप, अब ये मेरी अपनी वेदर की ऐप है और मेरा ही अपना सर्वर है। कॉन्सोल पे गया, मैंने कहा ABC कुछ भी लिखा, मैंने गेट वेदर किया, तो मेरे पास ये देखो वही डेटा आ गया। ये ऐप डॉट गेट किस तरीके से चल रहा है? हाँ, अब ये जो है ना किस तरीके से चल रहा है, ये अभी अब आगे गुफ्तगू है जो वो यही है, सही है। अच्छा, पहले इतना बताओ कि जो मैंने अभी काम किया है सर्वर में, तो क्या कोड लिखा है क्या नहीं लिखा वो अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, सही है। लेकिन मुझे इतना बताओ कि ये सब लोगों को समझ में आ गया है कि पहले हम किसी और का सर्वर कॉल कर रहे थे, अब हम अपना खुद का सर्वर कॉल कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया। हाँ, थोड़ा थोड़ा, देखो ये सर्वर का जो कोड है ना, इसको तो छोड़ दोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, ये तो अभी आगे पूरा अगला पूरा महीना हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बोला था आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आएगा। अच्छा, ये जो सर्वर का कोड है ना, इसको तो अभी अगर नहीं भी समझ में आया तो ये इंशाल्लाह आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी समझ में जो आना चाहिए ना, ज़रूरी जो आ जाना चाहिए, वो ये है कि मैंने एक सर्वर बनाया है। कैसे बनाया है, कैसे लिखा है, वो इंशाल्लाह आप सब लोग खुद करेंगे ना हाथ से, तो आपको भी आ जाएगा। मैंने एक सर्वर बनाया है, उसको मैंने क्लाउड में डिप्लॉय कर दिया है, सही है। और क्लाउड में डिप्लॉय करने के बाद जब ये एड्रेस मुझे उसने दिया है क्लाउड वालों ने कि भाई आपका इधर लगा दिया हमने, इस URL को जब मैं हिट करता हूँ तो मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है जो क्लाउड में इस वक्त चल रहा है, और वहाँ से रिस्पॉन्स आके यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इतना तो एटलीस्ट सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर मैं रिवाइज़ करूँगा पूरे स्टेप्स। इतना सब लोगों को समझ में आ गया? जी सर, ये तो क्लियर है, अच्छा बताया आपने। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी थ्योरी पे। नॉट जे एस जो है वो इंजन है जिसके ऊपर चलता है, ठीक है। अगर मेरे कंप्यूटर में नॉट जे एस का इंजन इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है, तो ये मेरे कंप्यूटर पे ये ऐप कभी भी रन नहीं होती। कंट्रोल सी किया मैंने, रोका, क्लियर। ये जो मैं करता हूँ ना npm start और ये इससे सर्वर चल पड़ता है, मेरे मशीन के अंदर नॉट जे एस का इंजन इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए ये चल रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं चलता। अच्छा, जिस क्लाउड पे मैंने भेजा है हरिको पे, वहाँ पे भी नॉट जे एस का इंजन इंस्टॉल हुआ हुआ है, उस इंजन के ऊपर ये चलती है ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो नॉट जे एस जो वो इंजन है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा इसकी थ्योरी के ऊपर कि ये काम हो क्या रहा है, और ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि ये हुआ क्या है। चल जा भाई। सर रन टाइम नहीं है ये, रन टाइम इंजन ही होता है, एक ही बात है, रन टाइम भी बोल सकते हैं। सर मेरा एक सवाल ये था कि जैसे हमें वेदर में आइकन भी मिल लेते, तो इसमें भी हमें सब कुछ मिल सकता है? हाँ हाँ, जो जो भेजेंगे हम वहाँ से वो मिलेगा, जो जो भेजना चाहेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने एक अदद क्या बनाया, सर्वर बनाया, ठीक है। सर एक चीज़ बताइए, ये आप अपना सर्वर अगर GitHub पे अपडेट करेंगे, पुश करेंगे, तो हीरोको पे भी जो है अपडेट हो जाएगा? जी जी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना मेरा एक अदद सर्वर आ गया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, सर्वर जैसा कि मैंने जिक्र किया था, सर्वर हार्डवेयर को नहीं बोलते हैं, सर्वर तो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और आपने देखा भी है कि वो 10-12 लाइनों का कोड जो मैंने लिखा है ना, वो मेरा सर्वर है, ठीक है। तो ये मेरी, आप समझ जाएं, ये मशीन है, ये मैंने इमेजिनरी तौर पे एक मशीन बना दी है, ठीक है, कि मेरा, तो आप इमेजिन करें कि ये मेरा कंप्यूटर है, और इसके अंदर ना ये कोई सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ये चल रहा है, ये मेरा सर्वर है, ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना इसके अंदर, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। अच्छा, और एक मेरे पास है क्लाइंट, ठीक है, ये मेरा क्लाइंट है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मेरे सर्वर को जो मेरी ही मशीन में चल रहा है उसको करता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मेरी मशीन में ही हो रहा है, लेकिन इमेजिनरी ये अलग क्लाइंट मैंने यहाँ पे बनाया है और उधर पे मैंने अलग सर्वर बनाया है, ये इमेजिनरी हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा सर्वर मैंने इस मशीन के अंदर रन कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करता था तो मेरे पास एड्रेस क्या होता था, लोकल होस्ट 3000। अच्छा, ये जो सर्वर, ये जो आपका कंप्यूटर होता है ना, इसके अंदर पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। पोर्ट किसको कहते हैं कि बाहर जाने का या अंदर दाखिल होने के जो रास्ते होते हैं ना, उसको पोर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी सिटी में दाखिल होने का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, एयरपोर्ट होता है, सी पोर्ट होता है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, बस का भी पोर्ट नहीं कहते बस को, लेकिन वो भी असल में पोर्ट होता है। जितने भी बॉर्डर्स होते हैं वो सब पोर्ट कहलाते हैं, कि यहाँ से या तो ट्रैफिक अंदर आ सकती है, माल सामान लोग अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर के अंदर भी ना मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं, हज़ारों की तादाद में वो पोर्ट्स होती हैं, उसमें से कुछ रिज़र्व होते हैं आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ जो है ना वो रिज़र्व नहीं होती। जैसे 3000 इज़ अवेलेबल फॉर डेवलपर्स डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। तो मैंने जब यहाँ पे से कॉल किया था इसको, मेरी मशीन पे जब ये चल रहा था, तो मैंने बोला था लोकल होस्ट 3000। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ना एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाके और अपना जो सर्वर था वहाँ पे क्लाउड में डाल दिया। ये जो मेरा मुन्ना था ना, छोटा सा चुन्ना सा, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ ले जाके मैंने इसको क्या कर दिया, क्लाउड में लगा दिया, ठीक है। अब मेरी लोकल मशीन में ये नहीं है, तो लोकल मशीन को अभी हटा देते हैं, अब यहाँ से लोकल मशीन का कोई काम भी नहीं है, अब ये क्लाउड में जा चुका है, ठीक है। अच्छा, क्लाउड में जाने के बाद क्या हुआ भाई, अब क्लाउड में जाने के बाद जब मैं इसको कॉल करता हूँ अपनी मशीन से यहाँ से, ठीक है, तो क्लाउड ने मुझे जो बोला है ना कि ये यूआरएल लिखो कि आप, सॉरी क्या चीज़ है, समझ नहीं पाया मैं, बोला क्लाउड क्या चीज़ है। हाँ, क्लाउड क्या चीज़ है, क्लाउड जो है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, क्लाउड जो है एक कंप्यूटर है, सही है, जो कहीं रखा हुआ है, किसी के पास रखा हुआ है, और वो उस मशीन को किराए पे देता है, तो वो क्लाउड कहलाता है, ठीक है। जैसे कि गूगल क्लाउड है ना, गूगल अपनी कंप्यूटर, गूगल अपने मशीन किराए पे देता है, कि मेरा कंप्यूटर है इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा हर वक्त, यहाँ पे आके ना कोई भी अपना सर्वर डिप्लॉय कर ले, ठीक है। अच्छा, सर्वर वो किराए पे सिर्फ इस काम के लिए नहीं, और भी बहुत कामों के लिए रख, जैसे गूगल ड्राइव है, वो क्या है, वो असल में गूगल ने आपको अपने कंप्यूटर किराए पे दिए हुए हैं कि अपनी चीज़ें सेव कर लो 15 GB तक, ठीक है। तो गूगल आपको अपने कंप्यूटर किराए पे देता है, बहुत तरीके से, मुख्तलिफ तरीक़ों से देता है, गूगल फ़ोटोज़ की सूरत में, गूगल ड्राइव, गूगल शीट है, और पता नहीं और क्या क्या है, तो वो बहुत, इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट भी आपको देता है, ठीक है। तो उन्होंने आपको सर्वर डिप्लॉय करने के लिए भी कंप्यूटर किराए पे दिए हुए हैं, बिल्कुल गूगल ड्राइव की तरह होता है वो, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, फाइलें डायरेक्ट नहीं सेव कर पाते, आप सर्वर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। इसी तरह हरिको ने भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, इसी तरह एक तो गूगल का क्लाउड है, जो आपने कंप्यूटर कराने के लिए लाइब्रेरी उठानी पड़ेगी हमें, सर्वर क्या, सॉरी सर, हाँ बोले, सर्वर बनाने के लिए हम कुछ अच्छे हमने एक्सप्रेस की लाइब्रेरी उठाई है। हाँ, ज़रूरी है ये, ठीक है। असल में सर एक्सप्रेस के बगैर भी मैं सर्वर बना सकता था, लेकिन फिर मुझे कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, तो आप कभी भी जब सर्वर बनाएंगे अपना सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो जब भी आप तैयार करेंगे वो सॉफ्टवेयर उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसके अलावा भी लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम इस कोर्स में एक्सप्रेस लाइब्रेरी है सर्वर बनाने का काम होता है। अभी हम ये पूरा कोर्स एक्सप्रेस ही पढ़ेंगे, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी पढ़ के उसके ज़रिए सर्वर बनाएंगे हम, ठीक है। तो एक्सप्रेस जो है वो एक लाइब्रेरी है जो सर्वर बनाने में आपको हेल्प करती है, सर्वर के लिए लाइब्रेरी बनाई गई। अच्छा, इसके अलावा भी हैं, रूबी एंड रेल्स हैं, जेंगो है, फ्लास्क है, और भी 1000 लाइब्रेरीज हैं सर्वर बनाने के लिए, लेकिन मर्न स्टैक में जो इस्तेमाल होती है वो एक्सप्रेस इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसलिए हम एक्सप्रेस को इंतखाब कर रहे हैं उसका। तो अब हमारे पास जो क्लाइंट था ना, वो अब किसको कॉल करता है, वो क्लाउड में रखे हुए सर्वर को कॉल करता है, और इसका एड्रेस वो होगा जो क्लाउड वाले मुझे बताएंगे, ठीक है। ये सबको बात समझ में आई। अच्छा, अब ये वाला जो तरीका है ना, ये जो काम है कि एक हेलो वर्ल्ड सर्वर को बनाना और बना कर उसको हरिको के क्लाउड पर डिप्लॉय करना,
ये आप सब लोग ये जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे ना, अब आगे की चीज़ इसके आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा काम है ना, ये आप सब लोग अभी अपने अपने हाथ से ये पूरा कोड लिखें, इसको गिटहब में पुश करें, एज इट इज़ जो जो लिखा हुआ है ना उसको ऐसे ही आपने लिखना है, और उसी सीक्वेंस से लिखना है जो मैंने बताया है। वो लिख के आपने इसको क्या करना है, हरिको के ऊपर डिप्लॉय करना है, जो तरीका जो मैंने बताया उसी तरीके से। और डिप्लॉय करने के बाद एक आपने ऐसा बनाना है फ्रंट एंड, ठीक है, एक ऐसा फ्रंट एंड, और यहाँ से अपने सर्वर को कॉल करना है आपने, सही है, अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है यहाँ से, और वो जो डेटा देता है उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये काम जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे कि ये गेट है तो ये गेट क्या है, अच्छा इस गेट की जगह पोस्ट भी हो सकता है, ठीक है, जो स्लैश होम है स्लैश प्रोफाइल है ये किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास आखिरी के 15 मिनट मौजूद हैं, तो आप सब लोग जो है ना ये इस 15 मिनट में इस कोड को अपने हाथ से लिखें, और अपने हाथ से लिख के इसको हरिको पे जैसे मैंने डिप्लॉय करना बताया है वैसे आप इसको डिप्लॉय करें, ठीक है। ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, दोनों कोड, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, और अभी ये काम कर लें आप फौरन से। सर ये ऑब्जेक्ट को तो एक दफ़ा प्रिंट करवा के दिखा दे। ऑब्जेक्ट प्रिंट यहाँ पे हुआ है ना कंसोल डॉट लॉग में, ये डेटा प्रिंट हुआ है जो, ठीक है, मैं इनर एचटीएमएल थ्रू आके एचटीएमएल के थ्रू करवा के दिखा दूँ जी। ये मैंने लिखा है यहाँ पे एबीसी और एंटर किया, तो ये देखो ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इस ऑब्जेक्ट में से ये जो टेम्परेचर था ना इसको मैंने इधर प्रिंट करवाया हुआ है। आप चाहो तो तीनों चीज़ें प्रिंट करवा लो, ठीक है, नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई एक टेम्पलेट बनाओ, ठीक है, और मैंने इसमें बोला कि भाई टेम्परेचर इक्वल्स, और यहाँ पे टेम्पलेट लगा के मैंने कहा ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दो यहाँ, सही है, ये मैंने टेम्परेचर प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि भाई और क्या था मेरे पास, ह्यूमिडिटी थी, टेम्परेचर के अलावा क्या था, सिटी था और वेदर था मेरे पास, सिटी सिटी, ठीक है, सही है, वेदर, ठीक हो गया जी। टेम्परेचर की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना, सही लिखी है, ठीक है। मैंने कहा इनर एचटीएमएल और ये टेम्पलेट स्टार्ट किया, ये टेम्पलेट मैंने ख़त्म किया, और बीच में मैंने ये तीनों डेटा को प्रिंट करवा दिया। रिफ्रेश किया यहाँ पे, मैंने कहा एबीसी गेट वेदर, और ये मेरे पास तीनों चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गए। अच्छा इसमें लाइन ब्रेक नहीं है बीच में, इसमें लाइन ब्रेक भी लगा देता हूँ मैं, ताकि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, ये तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये H1 में एक डिस्प्ले हो जाए पहला वाला, तो मैं यहाँ पे H1 लगा दूँगा, ठीक है, H1 ऐसे मैंने लगा दिया। तो मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ। मैंने कहा ABC एंटर, तो आप देखिए टेम्परेचर बड़े से आ गया, सिटी और वेदर छोटा बन के आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि ये मेरा अपना सर्वर है जिसको मैं अब कॉल करता हूँ और जहाँ से मेरे पास डेटा आता है। तो ये वाला काम जो है ना आप सब लोगों ने करवाना है आपने, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है कि एक हेलो वर्ल्ड सर्वर बना के उसको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो सब लोग प्लीज़ शुरू हो जाएं जल्दी से, और अपनी स्क्रीन शेयर करके ना ये बनाना शुरू कर दें, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।